हेलो। हाँ चल, मैं पहुंच गया हूँ तेरे घर में। हाँ हाँ आता हूँ, आ गया। ओके। हेलो भाभी, कैसे हेलो, हो? कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। देखो भाभी, प्रशांत मुझे बुलाकर आप यहाँ खुद आया ही नहीं। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था तुम आने वाले थे। अंदर आओ। ये लो सुशील, पानी। और कैसे चल रहा है घर पे सब हाँ कुछ? सब बढ़िया। आपकी बीवी ठीक है? हाँ बीवी एकदम ओके रिपोर्ट। प्रशांत ने मुझे बताया था कि वो चर्च गेट गया है। मुझे भी बताया था कि आप आने वाले हो, उनसे बात हुई थी। मैं लंच तैयार कर दूं आपके लिए? हाँ जल्दी से लंच तैयार ओके करो, मुझे तो ओके बहुत ठीक भूख लगी है। है। ठीक। अब तो चूहे भी भटक रहे हैं। भाभी लगता है आज प्रशांत को काफी टाइम लग जाएगा। हाँ वो तो है ही है, आदत नहीं बदलती ना आदमी की। अच्छा गलत बात है, पर टाइम से आना चाहिए घर पे। प्रशांत का काम क्या अच्छा चल रहा है आजकल? अच्छा चल ही रहा है बस। भाभी प्रशांत आपको खुश तो रखता है ना? हाँ बहुत। ये लो आप लंच कर लो। भाभी आप नहीं खाओगे? नहीं, क्यों? गुड़ नहीं है। अच्छा आप खाओ। वाह भाभी, दाल तो बहुत टेस्टी बनाई है आपने। थैंक यू। भाभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अकेला ही खा रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त को तो फुर्सत ही नहीं मेरे लिए। ऐसा भाभी क्यों कह रहे हो आप? और क्या कहूं, मैंने तो सुना है आपका ध्यान ही बहुत अच्छे तरीके से रखता है वो। लोगों को झूठ बोलना उनकी फितरत में होता है। भाभी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? एक प्रशांत ही है हमारे पूरे दोस्तों में जिससे हम जेलस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आप जैसी बीवी जो मिली हो। क्यों? तुम्हारी बीवी तुम्हारा ध्यान नहीं रखती? वैसे मैंने तुम्हारी बीवी के बारे में भी काफी कुछ सुना है। काफी अच्छी है वो, तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है वो, और खाना भी अच्छा बनाती है। तुम्हारी माँ की बहुत इज्जत करती है। ओ थैंक यू भाभी, पर आप जैसी कहाँ बात है भाभी, आप तो सबसे स्पेशल हो। काश ये बात तुम्हारा दोस्त भी समझ पाता। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा क्या हुआ बताओ तो सही। हाँ क्या बताऊं तुम्हें सुशील, भाभी आपकी मैरिड लाइफ सही तो चल रही है ना? मैरिड लाइफ ही तो सही चल रही है बस। तो भाभी आपकी सेक्स लाइफ? और रोटी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं बस बस, ओके ओके थैंक यू। ले लो ना एक और। हाँ ले आप। भाभी को क्या हो गया यार आज? प्रशांत तो कहता कि सब सही है। प्रशांत को पूछना पड़ेगा यार। भाभी दाल तो बहुत टेस्टी है। थैंक यू। एक चपाती और खा लो। नहीं बस अब बहुत है इतना। नहीं, एक तो हाँ खा इतनी लो। भूख नहीं है मुझे। भाभी तो मैं आपसे कुछ पूछ रहा था, वो आपकी सेक्स लाइफ सही तो है? तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी शक्ल देखकर? भाभी मैं ऐसा कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता आपकी शक्ल देख के। पता नहीं सुशील, ठीक नहीं चल रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं उनके साथ जब भी होती हूँ तो ऐसा लगता है कि उनके साथ होते हुए भी मैं वहां मौजूद ही नहीं हूं। अच्छा मेरी मौजूदगी कोई है ही नहीं। भाभी मतलब मैं समझा नहीं।
मतलब तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ सुशील। सुशील मेरी ना मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। क्यों भाभी, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। हम दोनों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं है। मैं जब भी उनके साथ होती हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर होती ही नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि कोई किरदार है। हर दिन मैं नया किरदार जीती हूँ, सिर्फ अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए। भाभी किरदार जिंदगी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आखिरकार बात है क्या, मुझे बताओ तो सही। तुम्हें कैसे बताऊं मैं? तुम्हें पता है जब भी मैं उनके साथ होती हूँ ना, मेरी वहां पर मौजूदगी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मेरा शरीर होता है। मेरी आत्मा कहीं और होती है। कभी कभी मुझे बहुत अकेलापन फील होता है, अपने आप पर घिन आती है। उनकी डिमांड्स, फैंटेसी, सब कुछ पूरा करते करते मैं फंसी गई हूं। कभी कभी तो सोचती हूँ कि काश पहले मैंने उनकी बात मानी ही ना होती। भाभी आखिरकार बात क्या है, बताओ तो सही मुझे। तुम नहीं समझ पाओगे सुशील। भाभी 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 क्या हुआ भाभी? भाभी भाभी क्या हुआ? भाभी क्या हुआ आपको? भाभी आप रो क्यों रहे हो? हर रोज नया किरदार जीना पड़े ना सुशील, तुम्हें तब पता चले। मुझे लगता कि आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हो। हाँ नहीं हूँ सुशील, मैं अपनी मैरिड लाइफ से खुश। देखो मेरी तरफ, मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मुझे प्यार करे, मेरे किरदारों से नहीं। सुशील देखो कोई क्या कमी है मेरे अंदर। भाभी आप में कोई कमी नहीं, आप बहुत खूबसूरत हो, मुझे पसंद हो। गुड मॉर्निंग भाभी, रात बहुत मजा आया। बस करो प्रशांत, मुझसे नहीं होता ये रोज रोज का ड्रामा। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ यही, रोज रोज नए किरदार जी ना। रोज रोज का बड़ा नया ड्रामा, ये नहीं करना वो नहीं करना, तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं भी तंग आ गई हूँ रोज रोज। हाँ ये ना जो तुम्हारा रोज रोज का ड्रामा होता है ना, ये अब मुझसे नहीं होता। अच्छा? तुमने लास्ट टाइम मुझे प्यार किया ही कब था? जैसा भी करता हूँ, करता तो हूँ। ऐसी शादीशुदा जिंदगी का क्या करना जिसमें पति के दिल में अपनी बीवी के लिए कोई प्यार कोई मोह है ही नहीं। मैं अपनी शादी बचाने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है ना तो डिवोर्स दे दो।
पर शायद मैंने तुम्हारे साथ रहकर अपनी लाइफ खराब कर ली।